राजस्व सेवा परिषद द्वारा राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों के विरुद्ध की गई मांग का विरोध दर्ज करवाने एवं मुख्यमंत्री द्वारा आंदोलन के समय दिए गए आश्वासन के अनुसार राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों की मांगों के संबंध में हुए सकारात्मक समझौते को अब तक लागू नहीं करने से खफा राजस्व मंत्रालय के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ विरोध जताया है। मांग को लेकर राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ शाखा ब्यावर के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में एडीएम कार्यालय के बाहर अपनी साफ सुथरी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के बाद मंत्रालय कर्मचारियों ने मुख्य सचिव के नाम एडीएम बजरंग सिंह को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि 11 मई 2023 को आंदोलनरत कर्मचारियों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त विभाग तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व विभाग द्वारा राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों की साफ सुथरी मांगों के संबंध में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था, जिसके बाद कर्मचारियों ने आंदोलन स्थगित कर दिया था। समझौते के 4 माह बीत जाने के बाद भी कोई सकारात्मक आदेश जारी नहीं किए गए हैं, जिसके चलते राजस्व मंत्रालय कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ भारी रोष व्याप्त है। वहीं राजस्व सेवा परिषद द्वारा मंत्रालय के कर्मचारियों के तहसीलदार पदोन्नति के कोटे को खत्म करने की मांग कर आंदोलन किया जा रहा है। राजस्व सेवा परिषद के द्वारा की जा रही मांग का राजस्व मंत्रालय कर्मचारी पुरजोर विरोध करते हैं। मुख्य सचिव के नाम दिए गए ज्ञापन में राजस्व मंत्रालय कर्मचारी ने साफ सुथरी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक आदेश जारी करवाए जाने की मांग की है, साथ ही इसके भाव में पुनः आंदोलन का रुख अपनाने की चेतावनी दी है। इसके बाद भी सरकार मांगों पर सुनवाई नहीं करती है तो आगामी 22 सितंबर को जयपुर के शहीद स्मारक पर एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ रैली निकालकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन सौंपकर उनकी मांगों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में अनुपम सिंह, योगेश कुमार, पंकज तिवारी, यशवंत सिंह, प्रेम राय फुलवारी, भूपेंद्र सिंह, राजकिशोर, विशाल नगर, मनीष गोदारा, धर्मेंद्र सिंह, रमेश मूलचंदानी, सुरेश चंद्र मीणा, विजय सिंह रावत, ललित गोर्डिया, गणपत सिंह, जसवंत सिंह सोलंकी तथा लोकेश कुमार मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को हमारी साफ सुथरी मांगों का ज्ञापन दिया गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा हमें पूर्णतः आश्वासित किया गया था कि आपकी मांगों का जो है निस्तारण किया जाएगा और आदेश जारी किए जाएंगे, परंतु अब तक किसी प्रकार के आदेश जारी नहीं हुए। तो हमारी सरकार से जो है आग्रह है, निवेदन है कि उक्त जो मांगों के लिए आप द्वारा आश्वासित किया गया है उन्हें पूरी की जाए, उनके आदेश जारी किए जाए। इसके अतिरिक्त जो सन 1956 से हमारा जो है मंत्रालय कर्मचारियों कोटा जो डबल लेवल के पद से और तहसीलदार के पद तक प्रमोशन होता है, उसकी पदोन्नति के लिए राजस्व सेवा परिषद द्वारा जो कटौती किए जाने और हटाए जाने की मांग की जा रही है, उसका हम मंत्रालय कर्मचारी पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं कि उनकी राजस्व सेवा परिषद की ये मांग पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाए और मंत्रालय कर्मचारियों के मांगों का शीघ्र निस्तारण करते हुए आदेश जारी करने की कृपा करावे।